हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हीरो पैशन एक्सटेक के बारे में। BS6 फेज 2 में है ये बाइक। दो वेरिएंट्स मिलते हैं इस बाइक में, एलॉय डिस्क और ड्रम ब्रेक। तो ये एलॉय डिस्क में है। तो हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि इस बाइक में कंपनी ने हमें क्या क्या फीचर्स दिया है, किस प्राइस सेगमेंट में है ये बाइक और जिस प्राइस में ये बाइक मिलता है क्या वो जस्टिफाई है, और इसके कंपटीशन में दूसरी जो बाइक्स है वो भी मैं बताऊंगा, उन बाइक्स को छोड़ के क्या हमें इस बाइक को लेना चाहिए। तो ये सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। एंड बिफोर यू स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू माय मेनका ऑटोमोबाइल जडेसर। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हर बार की तरह शुरू करते हैं सामने से। तो सबसे पहले इस बाइक में हमें सामने यहाँ पे DRL देखने को मिलता है, और DRL देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हीरो की हर बाइक में हमें ऐसी DRL अभी देखने को मिलता है, जैसे कि ग्लैमर हो गया, सुपर स्प्लेंडर हो गया, हर बाइक्स में हमें DRL ऐसा ही देखने को मिलता है। और हेडलैम्प की बात करें तो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है यहाँ पे, और हेडलैम्प कुछ दिखता है ऐसा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और यहाँ पे मडगार्ड फाइबर का और कॉन्वर्शनल फोक दिया गया है सामने। और उसके बाद फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट व्हील हमें 18 इंच का व्हील मिलता है, और टायर प्रोफाइल जो है इस बाइक में हमें देखने को मिलता है 80x100 का या फिर 80x120 लिखा है जहाँ पे लिखा होगा, 80x100 का टायर प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऐसा दिखता है कुछ इसका, फुल्ली डिजिटल और फुल्ली सेटिस्फैक्शन, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है यहाँ पे। साइड स्टैंड का इग्निशन यहाँ पे, न्यूट्रल यहाँ पे, फ्यूलिंग का, और ये स्पीडोमीटर यहाँ पे, टैकोमीटर, सब कुछ ऐसा। और ये पैशन एक्सटेक में, एक्सटेक मतलब आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको मिलेगा, हीरो का जो ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके फ़ोन में, तो आप फ़ोन के साथ इस बाइक को आप कनेक्ट कर सकते हो। और फिर आते हैं साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे हमें पैशन की बैजिंग देखने को मिलता है, एक्सटेक की बैजिंग यहाँ पे दिया गया है, और वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। हीरो की बैजिंग यहाँ पे IPS टेक्नोलॉजी के साथ। और फिर पीछे आते हैं तो टेल लैंप हमें हेलोजन बल्ब के साथ देखने मिलता है, और इंडिकेटर चारों के चारों हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलता है। रियर मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड फाइबर का, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है। और रियर व्हील की बात करें तो 18 इंच का रियर व्हील दिया गया है, और रियर टायर प्रोफाइल भी हमें 80x100 का ही मिलता है, यहाँ पे लिखा भी है। और इसका ओवरऑल लुक जो है इस बाइक का कुछ है इस तरह का, इसका ओवरऑल लुक एक्चुअली जिस सीसी की इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस बाइक में हमें 113.2 सीसी का इंजन मिलता है, ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर। और पावर फिगर की बात करें तो इस इंजन के साथ इस बाइक पावर प्रोवाइड करता है लगभग 9.79 किलोवाट का, और ये काफ़ी से मतलब इस सीसी सेगमेंट के हिसाब से ये जो बाइक का ओवरऑल लुक है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसके कॉम्पिटिशन में दूसरी जो बाइक्स है उन बाइक्स को छोड़ के, मतलब उन बाइक्स के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बाइक सबसे पहले आपके नज़र में आएगा। और फिर आते हैं फ्यूल टैंक की तरफ, तो फ्यूल टैंक हमें 10 लीटर्स की दिया गया यहाँ पे, और 1.6 लीटर्स की रिजर्व टैंक दिया गया है। और सीट हाइट की बात करें तो 799 mm की हमें सीट हाइट दिया गया इस बाइक पे, और ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस बाइक पे। स्विचेस, हाँ आपको थोड़ा सा निराश करेगा यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जिस सेगमेंट की बाइक है, जिस सीसी की बाइक है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही। और एक चीज़ इस बाइक में आपको मिलेगा वो है USB कनेक्टिविटी, और वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे USB कनेक्टिविटी आपको मिलता है, ये काफ़ी सही है। इस मोड से आप यहाँ पे ट्रिप पे कितना माइलेज एवरेज सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन कहीं भी टाइम आपको नहीं दिखा रहा है। और साइड स्टैंड जो है इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है साइड स्टैंड, मतलब आपका साइड स्टैंड अगर नीचे है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और इस बाइक की अगर लेग ग्रिप की अगर बात करें तो ये काफ़ी सही है, होंडा शाइन 100 और शाइन 125 की तरह नहीं है, कुछ हद तक लिबो की तरह लगता है बैठने में। और हैंडलिंग जो है, और इस बाइक का राइड रिव्यू वीडियो अलग से आएगा, आज हमें ऑटो वीडियो नहीं मिला राइड रिव्यू वीडियो निकालने का, वो अलग से आएगा। और बैठने में कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन बैठते वक्त आपको पता नहीं चलेगा कुशनिंग सॉफ्ट है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ है,
शाइन 100 से अगर हम इस बाइक को कंपेयर करें, वो 100 की है, ये 110 की बाइक है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर भी अगर कंपेयर करें सिटिंग पोस्चर या फिर इन सब से, तो ये काफ़ी बेहतर है। अगर आपको आपने प्लान किया है कि शाइन 100 आपको लेना है, तो भाई मत लीजिए, उससे बेहतर आप ये लीजिए, थोड़ा सा पैसा बढ़ाइए ये लीजिए, क्योंकि आप हर साल तो चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए ये आपका बेहतर डील हो सकता है मेरे ख्याल से। फिर आते हैं इस बाइक में हमें सीट स्टोरेज भी देखने को मिलता है, और शाइन 100 की तरह नहीं, या फिर शाइन 100 की तरह नहीं कि हमें भाई ये खोल के फिर आपको सीट खोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ पे चाबी लगाने के लिए जगह भी दिया गया, और सारी गार्ड मेटल का सारी गार्ड देखने को मिलता है, और गियर में आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे चेन कवर फाइबर का, ये भी मेटल होना चाहिए था, लेकिन मेटल होता तो आपको रस्टिंग का इशू आ जाता, लेकिन यहाँ पे फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, रस्टिंग का कोई इशू नहीं है। तो अभी बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। तो ये है एलॉय डिस्क के साथ, तो इस बाइक का प्राइस जो है एक शोरूम लगभग 83,000 के आसपास, और ऑन रोड इस बाइक का प्राइस पड़ता है लगभग 1,02,000 के आसपास। तो अभी बात करते हैं क्या 83,000 जस्टिफाई है इस बाइक पर, वो बाद में थे, पहले बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन में दूसरे जो बाइक्स हैं उन बाइक्स को छोड़ के हमें इसे क्यों लेना चाहिए। तो इसके कंपटीशन में जो बाइक्स है TVS रेडियन, होंडा शाइन 100, होंडा शाइन 125 को अभी पकड़ सकते हो, और पल्सर 125 को भी आप ले सकते हो, उन बाइक्स को छोड़ के हमें इसे क्यों लेना चाहिए। तो भाई इस बाइक में हमें उन बाइक से बहुत कुछ ज़्यादा मिलता है फीचर्स, जैसे कि आपको डिजिटल सीमेंट क्लस्टर हो गया, उस बाइक में आपको सेमी डिजिटल मिलता है, और कुछ कुछ बाइक्स में तो आपको टोटली एनालॉग दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलता है, उसके बाद ये प्यारा सा लुक मिलता है इस बाइक का, और यहाँ पे एक सुंदर सा DR इनबिल्ट, ये भी इसकी जो पोजीशनिंग है ये भी काफ़ी सुंदर है। तो इस बाइक को और जो पावर है इस बाइक का 9 BHP और 9.79 Nm ऑफ टॉर्क का, लगभग ये अपनी जो बाइक है हीरो सुपर स्प्लेंडर या फिर ग्लैमर, उन बाइक्स को भी ये बाइक टक्कर दे सकती है, और गियर बॉक्स आपको 4-speed गियर बॉक्स देखने को मिलता है यहाँ पे, ये बाइक उन बाइक को भी टक्कर दे सकती है। तो अभी बात करते हैं क्या जस्टिफाई है 83,000, तो आप हाँ भी कह सकते हो ना भी कह सकते हो, चांस 50-50 है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ना के बारे में, ना क्यों है ना, तो जस्टिफाई इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्राइस है इसका वो 2-3 हज़ार अगर कम होता थोड़ा सा, मतलब 79,000 to 80,000 होता इसके एक शोरूम प्राइस, तो भाई ये सही था, क्योंकि इसकी जो पावर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकती है इस प्राइस सेगमेंट की दूसरी जो बाइक्स है उनसे अगर कंपेयर करें तो। और अभी बात करें कि हाँ क्यों, हाँ इसलिए कि इसकी कंपटीशन में दूसरी जो बाइक्स है उन बाइक्स के साथ अगर कंपेयर करें तो इस बाइक में हमें बहुत कुछ एडवांस फीचर देखने को मिलता है, USB कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, यह सब कुछ आपको इस बाइक में मिलता है, और ग्राफिक्स भी काफ़ी सुंदर लग रहा है बाइक का, ओवरऑल लुक भी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी डिसीजन आपको लेना है, अगर आपके पास पैसे है कि और आपने मन बना लिया हो कि भाई हाँ हमें पैशन स्टेक ही लेना हो तो भाई अलग बात है, अगर आप आपके पास 2-3 हज़ार आपका बजट है कि आप बढ़ा सकते हो तो भाई आप इस बाइक को स्किप कर सकते हो। तो बस इस बाइक के बारे में इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।